हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक एएलपी में। दोस्तों, मैंने एक दो दिन पहले एक पुल पोस्ट डाला था अपने कम्युनिटी पोस्ट में चैनल पे अपने, कि इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है आरआरसी ग्रुप डी का, वो कितने लोग देने वाले हैं इस बार, और ये एग्ज़ाम लगभग अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा ऐसा संभावना है। तो मैंने जो पोस्ट डाला था उसमें लोगों ने वोट किया, लगभग 1,000 लोग वोट किए हैं, उसमें से 59 से 60% लोग ऐसे हैं जो ग्रुप डी का पेपर इस बार देने वाले हैं, और 25% लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया हमारे व्यूवर में से, और 15% लोग नहीं देने वाले हैं। तो 60% एक अच्छा खासा लोग हैं जो देने वाले हैं पेपर इस बार आरआरसी ग्रुप डी का। तो मैं सोचा इस पे भी एक वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले आरआरसी ग्रुप डी का सिलेबस आपको पता होगा, इसमें सामान्य विज्ञान आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, और सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स आएगा, जिसमें जो रीजनिंग है वो 30 क्वेश्चन आएंगे उसके, और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, और सामान्य विज्ञान के 25, और बाकी 20 जो बचते हैं उसमें से आपके जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का आएगा। कुल 100 क्वेश्चन और 90 मिनट आपको दिया जाएगा इसके लिए। और यदि आप डिटेल सिलेबस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आरआरसी ग्रुप डी का कट ऑफ है वो पिछले की तुलना में क्या रह सकता है, इसके अलावा कौन कौन से पोस्ट अच्छे हैं आरआरसी ग्रुप डी में, और लास्ट टाइम आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए पढ़ने का, इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। इससे पहले एक और बात कर लेते हैं, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आरआरसी क्या है और आरआरबी क्या है। तो आरआरसी आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है, और आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। जो ग्रुप डी का पेपर है वो केवल आरआरसी ही कराता था, और बाकी जितने भी पेपर हैं वो आरआरबी कराता था, लेकिन पिछली बार जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था वो आरआरबी कराया था, पता नहीं क्यों कराया था। तो यही है डिफरेंस, एक सेल है और एक बोर्ड है, एक रिक्रूटमेंट सेल है और एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है। और एक और बात, आप ग्रुप डी को ऐसा वैसा मत समझिए, अगर आप ग्रुप डी में हो जाते हैं और यदि आपके पास आईटीआई है तो आप बाद में लोको पायलट भी बन सकते हैं इंटरनल वैकेंसी से। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड भी बन सकते हैं इंटरनल वैकेंसी जो आती है, जो आंतरिक वैकेंसी आती है रेलवे की इम्प्लॉयों के लिए। इसके अलावा यदि आपके पास इंटरमीडिएट है तो आप टीसी बन सकते हैं, टिकट क्लर्क बन सकते हैं, मतलब जो भी इंटरबेस पे पोस्ट आते हैं, क्योंकि इंटरनल वैकेंसी आते ही रहते हैं इम्प्लॉयों के लिए जो रेलवे के इम्प्लॉय पहले से उनके। तो ग्रुप डी में आप एक बार हो जाते हैं तो आप इन सब पोस्टों पर भी जा सकते हैं यदि आपके पास उनका क्वालिफिकेशन है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, पिछली बार से ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा। तो इस बार जो आरआरसी ग्रुप डी का कट ऑफ है वो पिछली बार से कम ही जाने वाला है, जिसके कई सारे फैक्टर हैं। एक तो फैक्टर ये है कि पिछली बार के तुलना में इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, पिछली बार 60 से 65 हज़ार था और इस बार 1,03,000 के आसपास वैकेंसी है। इसके अलावा जब अभी वैकेंसी आई थी, जो 2019 वाली जो वैकेंसी आई थी, मार्च अप्रैल 2019 में आई थी, तब तक अभी रेलवे का साइको टेस्ट भी नहीं हुआ था। रेलवे का साइको टेस्ट मई में हुआ था, 9-10 मई को हुआ था, 10 मई को हुआ था 3 शिफ्ट में। तो रेलवे का साइको टेस्ट मई में हुआ था, तो जितने भी एएलपी के एस्पायरेंट थे जो एएलपी का फॉर्म भरे थे उसमें से अधिकांश लोग आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं। मैं खुद भरा था आरआरसी ग्रुप डी का दिल्ली बोर्ड से, लेकिन देने नहीं जाऊंगा अब। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो एएलपी में जिनका हो गया वो भी ग्रुप डी का फॉर्म भरे थे। इसके अलावा जेई का भी वैकेंसी अभी क्लियर नहीं हुआ था, हमें लगता है उसका CBT 1 भी नहीं हुआ था जेई का। मेरे एक दोस्त हैं जिनका इसमें जेई में हुआ है, झांसी मिला था, लेकिन अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ, उससे पहले उनका दूसरे जगह हो गया, MRPL में हो गया, वहाँ ज्वाइन कर लिए, वो भी ग्रुप डी का फॉर्म दिल्ली बोर्ड से ही भरे थे, वो भी देने नहीं जाएंगे। इसके अलावा मेरे साथ जो बहुत से लोग ट्रेनिंग में थे वो भी ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किए थे, लेकिन अब तो देने नहीं जाएंगे क्योंकि उनका सिलेक्शन एएलपी में हो चुका है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जितने भी एएलपी में हुआ होगा उसमें से अधिकांश आपका ग्रुप डी का फॉर्म भरे होंगे, तो उनकी संख्या ऐसे ही कम हो जाएगी। उसके अलावा जिनका आरआरबी जेई में हुआ है वो भी फॉर्म भरे होंगे उसमें ग्रुप डी का, तो उनकी संख्या कम हो जाएगी। इसके अलावा इस बीच में यूपी में पुलिस का भी वैकेंसी क्लियर हुआ है, टीचर का भी वैकेंसी क्लियर हुआ है, और जिसमें से अधिकांश लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरे ही होंगे, तो ऐसे कैंडिडेट की संख्या कम हो जाएगी। और 2019 के बाद जो कैंडिडेट एलिजिबल हुए होंगे वो तो भर ही नहीं पाए होंगे, क्योंकि फॉर्म तो बहुत पहले भर दिया गया था 2019 में, और ये आपका 2021 आ गया, लगभग 2 साल से ऊपर हो गया फॉर्म अप्लाई किए हुए। तो ये 2-4 फैक्टर थे, एक तो वैकेंसी ज़्यादा है, ऊपर से एएलपी वाले कैंडिडेट जो फॉर्म भरे थे एग्जाम देने नहीं जाएंगे, जेई वाले भी देने नहीं जाएंगे, पुलिस और टीचर में जो हुए होंगे वो भी देने नहीं जाएंगे। तो पिछली बार से कट ऑफ कम रहने वाला है, और यदि आप पिछली बार का कट ऑफ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कट ऑफ, प्रत्येक जोन का जोन वाइज कट ऑफ दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, और कट ऑफ देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार कट ऑफ कितना रहने वाला है। अब बात करते हैं जितने भी ग्रुप डी के पोस्ट हैं, आरआरसी ग्रुप डी में जो पोस्ट हैं उसमें से सबसे अच्छा पोस्ट कौन है और सबसे टफ जॉब कौन से पोस्ट पे सबसे टफ वर्क है। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा पोस्ट है जिसमें हॉस्पिटल असिस्टेंट का एक पोस्ट है वो सबसे अच्छा है, हॉस्पिटल में आपको रहना है तो मेरे हिसाब से तो वही सबसे अच्छा है हॉस्पिटल असिस्टेंट। उसके बाद भी और से अच्छे पोस्ट हैं, असिस्टेंट वर्कशॉप है, असिस्टेंट पॉइंट्समैन है, पॉइंट्समैन बाद में जाके सेंटर मास्टर भी बन जाते हैं, तो सबसे ये सब पोस्ट हैं और जितने भी पोस्ट हैं सभी अच्छे हैं। और टॉप पोस्ट में आपका आएगा एक तो ट्रैक मेंटेनर का आएगा, सबसे टॉप पोस्ट माना जाता है, बहुत से लोग कमेंट करके भी बताते हैं और देखने में भी लगता है कि हाँ सबसे टॉप पोस्ट है। और इसके अलावा जो गेटमैन होते हैं इनका जॉब थोड़ा टफ है, तो हॉस्पिटल असिस्टेंट सबसे अच्छा है, और भी जितने पोस्ट हैं असिस्टेंट पॉइंट्समैन है, असिस्टेंट कैरेजन वैगन है,
असिस्टेंट वर्कशॉप डीजल है, असिस्टेंट वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल, ऐसे करके हैं। सभी असिस्टेंट हैं, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट हैं, जो कि सभी अच्छे पोस्ट हैं। और हॉस्पिटल असिस्टेंट सबसे अच्छा माना जाएगा, और जो ट्रैक मेंटेनर है वो सबसे टॉप माना जाएगा। तो ये सब आपके पोस्ट हो गए। आप देखना चाहते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं, तो डिस्क्रिप्शन में पोस्ट भी दिया हुआ है, ऑलमोस्ट सभी पोस्ट दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं कि कौन सा पोस्ट है। अब बात करते हैं लास्ट के दिनों में स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए। देखिए, ग्रुप डी का एग्जाम अगस्त तक हो जाएगा ऐसा संभावना है, 10 अगस्त तक कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ ही जाएगा आपका, और ट्रेनें सभी चलने लगी हैं तो एग्जाम भी स्टार्ट हो ही जाएगा। और जो ग्रुप डी का आप सिलेबस देखेंगे उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिला के आपका 30 रीजनिंग है और मैथमेटिक्स 25 है, कुल 55 नंबर आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग से हैं। तो जिसका ये स्ट्रांग है वो अच्छा करेगा। और रीजनिंग मैथ अगर आपका तैयार हो गया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने में या प्रैक्टिस सेट लगाने में बहुत ज़्यादा आपका तैयार होगा, बहुत इंप्रूवमेंट होगा। और जनरल साइंस भी जो आप तैयार किए होंगे, तो तैयार किए होंगे, जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार होते जाएंगे साथ में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मैथ रीजनिंग में आपका प्रत्येक टाइप का, जैसे कोई एक चैप्टर मैथ का उठाइए, उसमें जितने टाइप के क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आप टाइप लगाने की कोशिश कीजिए, जितने टाइप के क्वेश्चन हैं प्रत्येक टाइप के 15 से 20 क्वेश्चन आपको लगा के प्रैक्टिस करना चाहिए, और हर एक टाइप आना चाहिए, ऐसे मैथमेटिक्स का तैयार होगा। मतलब एक चैप्टर पढ़ना है, जिस चैप्टर को आप पढ़े हैं उस चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सभी टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, ऐसे ही आपका रीजनिंग में। और जनरल साइंस तो आपको याद करना है, और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस भी आपको याद करना है। करंट अफेयर्स के लिए आप तो एग्जाम के कुछ दिन पहले भी 2-3 वीडियो देख लेंगे, 1-2 घंटे का वीडियो करंट अफेयर्स पूरा आपका यूट्यूब पे आ जाएगा, आप उसे देख लेंगे तो आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा, उसमें से बहुत हेल्प मिलेगा। बाकी आप रीजनिंग और मैथ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, और प्रैक्टिस सेट लगाते समय इस बात का ध्यान रखिए बिल्कुल एग्जाम के रूल के हिसाब से। आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं तो बिल्कुल आप डिसाइड करिए कि 90 मिनट में हमको 100 क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल टाइमर सेट कर दीजिए और उस हिसाब से आप प्रैक्टिस सेट करिए, और इस 90 मिनट को 70 से 80 मिनट के बीच में लाने की कोशिश करिए। और इससे आपका प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होगा, आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ेगा। स्पीड एंड एक्यूरेसी का मतलब आप स्पीड से लगाएं, मतलब आपको स्पीड से लगाना भी है और सही लगाना है, ऐसा नहीं कि गलत लगाना है। तो प्रैक्टिस से आपका क्या होता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ और रीजनिंग के प्रत्येक चैप्टर से हर एक टाइप का क्वेश्चन लगाना सीखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट से बहुत इंप्रूवमेंट होता है, मतलब आप अभी जितना करते हैं उससे 40 से 50% ज़्यादा आप करेंगे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। तो ज़्यादा प्रैक्टिस मत करिए, रोज़ एक पेपर लगाइए अभी से, तो बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपका पेपर आते वक्त। बहुत से लोग ये वाला जो है प्रैक्टिस सेट लगा के ही पेपर में अच्छा वर्क करते हैं, इससे कि आपको एग्जाम का माहौल मिल जाएगा। एग्जाम में आप क्या क्या गलतियाँ कर सकते हैं वो आपको पहले ही पता चल जाएगा, तो आप उसे सुधार सकते हैं। तो आप बिल्कुल एग्जाम का रूल बना के 90 मिनट में, पहले 90 मिनट में उसे करने का कोशिश कीजिए। 90 मिनट में जब हो जाए तब उसे 70 से 80 मिनट के बीच में लाने का कोशिश कीजिए। बाकी जब आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके एडमिट कार्ड होने लगेंगे, तो और जो टिप्स है और भी जो वीडियो है इससे रिलेटेड हो आने लगेंगे आपके पास, मैं भी बनाऊँगा और भी बहुत लोग बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।